हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीषा गुप्ता। आई एम प्रैक्टिसिंग ऑप्स एंड गायनी इन दिल्ली। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि अबॉर्शन पिल्स लेने के बाद ब्लीडिंग कितने दिनों तक होती है। बहुत सारे पेशेंट्स की ये क्वेरी होती है कि डॉक्टर, पिल्स लेने के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग हमें हो सकती है और ब्लीडिंग होने के कितने दिन तक पूरा प्रोसेस लग सकता है अबॉर्शन होने में, और उसके बाद जो पीरियड होता है वो कितने दिन में वापस आता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ों के जवाब देने वाली हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है एक्चुअली में अबॉर्शन के लिए, वो सेकेंड डोज यानी कि मिसोप्रोस्टॉल लेने के बाद से स्टार्ट होती है। ये ब्लीडिंग आपको सेम डे हो सकती है यानी कि 4 से 6 घंटे बाद हो सकती है, या फिर ये ब्लीडिंग आपको नेक्स्ट डे हो सकती है। जिस तरह से भी आपने डोज की स्ट्रेंथ ली है, एक बार ली है या दो बार ली है, उस हिसाब से आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। तो ये जो ब्लीडिंग होता है ये नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा होता है, यानी कि पीरियड से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पीरियड से ज़्यादा क्रैम्प भी होते हैं। तो ये ब्लीडिंग जो होती है ये 3 से 4 दिन के लिए होती है मोस्टली, और फिर धीरे धीरे ये ब्लीडिंग का अमाउंट जो है वो कम होता जाता है और ये कम से कम 7 दिन तक कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। और फिर अगले 7 दिन के बाद आप स्कैन करा सकते हैं यानी कि अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं देखने के लिए कि आपका अबॉर्शन कम्प्लीट हुआ है कि नहीं, यानी कि सारे प्रोडक्ट्स निकले हैं कि नहीं निकले हैं। और दूसरा जो तरीका होता है, दूसरे जो फील करते हैं पेशेंट, वो ये होता है कि उनको सेकेंड मिसोप्रोस्टॉल की डोज लेने के बाद अचानक से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और फिर ये ब्लीडिंग 4 से 6 घंटे रहती है और फिर ये स्टॉप भी बहुत जल्दी हो जाती है ये। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग आपको कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा हो रही है, 2 to 3 days के लिए लगातार ब्लीडिंग हो रही है, इसमें आप हर घंटे पे एक एक पैड चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। मोस्टली जो ब्लीडिंग का पैटर्न होता है वो ऐसे ही होता है, मैक्सिमम ब्लीडिंग आपको 7 days तक होती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है और अगले उसके 7 दिन बाद आप अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है कि नहीं, यानी कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अबॉर्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कम से कम 4 से 6 हफ्ते में आपके पीरियड्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं, बट इनिशियली आपको पीरियड्स वापस आने में थोड़ा लेट भी हो सकता है, थोड़ा इरेगुलरिटी भी हो सकती है, थोड़ा पीरियड्स ऊपर नीचे भी आ सकते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। लेकिन इस दौरान आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अबॉर्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब तक पीरियड आपके नॉर्मलाइज नहीं हो जाते तब तक आप प्लीज़ किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करें, क्योंकि इस दौरान अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो यूरली आपको पता नहीं चलेगा कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। तो इसलिए जब तक आपके पीरियड नॉर्मलाइज नहीं हो जाते तो आप ध्यान रखें कि आप प्रेग्नेंट ना हों, और क्योंकि जैसे ही आपके पहली पीरियड वापस आता है उसके साथ साथ आपके प्रेग्नेंट होने की टेंडेंसी भी वापस आ जाती है। आप मतलब ये मत सोचिए कि जैसे आपका प्रोसेस अभी अभी अबॉर्शन हुआ है तो आप दोबारा प्रेग्नेंट अभी नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही अबॉर्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर पीरियड्स वापस आते हैं उसके साथ ही आपके प्रेग्नेंट होने की टेंडेंसी भी वापस आ जाती है, इसमें कोई डिले नहीं होता है। तो अबॉर्शन प्रोसेस के साथ ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें।